बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंदर देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन स्टूडियो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हांडी गोश्त। हांडी गोश्त किस तरह और किस तरीके से बनेगा ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। हांडी गोश्त मैं इस हांडी में बनाऊंगी, इस मट्टी की हांडी में बनाऊंगी। आप देख सकते हैं बड़ी है, बड़ी मट्टी की हांडी है। बीफ 1.5 किलो, बड़े वाले प्याज हैं 2 अदद, टमाटर बड़े वाले हैं 3 अदद, लहसुन 2 गड्ढे हैं, और ये अदरक मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिए, काट लिए। लाल मिर्च पाउडर 4 चाय के चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। अब मैं सबसे पहले हांडी में गोश्त शामिल करूंगी। अब मैं तमाम मसाला जात शामिल कर दूंगी। ये नमक मैं शामिल कर रही हूँ, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, अब लाल मिर्च पाउडर, और फिर आखिर में धनिया पाउडर। अब मैं दूसरी जो चीज़ें हैं टमाटर प्याज वगैरह, इनको मैं ग्राइंडर करूँगी। तो इसे सबसे पहले मैं टमाटर शामिल करूँगी। फिर उसके बाद प्याज शामिल करूँगी। अब आखिर में मैं लहसुन शामिल करूंगी, और अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये देखें कितना अच्छा पेस्ट बना है। अब मैं ये भी हांडी में डाल दूंगी। अब जो चीजें मैंने ग्राइंडर की हैं वो मैं हांडी में डाल दूंगी, सारा पेस्ट। अब इस हांडी में मैंने 1 ग्लास पानी शामिल किया था, और इसे मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। आंच मैंने आहिस्ता रखी है ताकि ये गोश्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आँच में पके, और कवर कर दूंगी। जब गोश्त अच्छी तरह पक चुका था, अंदर से गल चुका था, तब मैंने इसमें 2 कप ऑयल शामिल किए, और पक रहा है ये। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पका है, देखें कितनी गाढ़ी ग्रेवी है, और गोश्त भी कितना खूबसूरत तरीके से तैयार किए। ये पका है। अगर आप मेरे चैनल पर गोश्त की और भी अगर ऐसी रेसिपी चाहते हैं बीफ की, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो का मैंने कब्सा बनाया था, बीफ कब्सा, आप वो भी देखें, आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और एंड सेगमेंट भी मैं रख लूँगी ताकि आप उस वीडियो को देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसे सफ़ेद जीरा से गार्निश करूँगी। अब हमारा हांडी गोश्त तैयार हो गया है। आप देखते हैं कितनी खूबसूरती से बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करूंगी, और प्लेट में सर्व करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से हमारा हांडी गोश्त तैयार हो गया है। हांडी गोश्त को सलाद के साथ तनावल फरमाएं, और रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और मेरी ये जो एंड की 4 वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।
whip up my appetite. Don't leave me here.